दोस्तों, यदि आपके जोड़ों में दर्द है अथवा आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है या एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है या गाउटी आर्थराइटिस है तो घबराए नहीं। मैं आपको एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी दवाई के बारे में बात करूंगा जिसका नाम है इटोरिकॉक्सिब। ये एक सेलेक्टिव कॉक्स टू इनहिबिटर है जो बॉडी में जाके अपना साइक्लो ऑक्सीजिनेज पाथवे है उसको इनहिबिट करके प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से पेन परसेप्शन रुक जाता है। आइए बात करें एडल्ट डोजेज की। इसमें डोज क्या रहेगी तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस की कंडीशन में इसको ओरली लेते हैं 60 से 90 एमजी ओडी यानी एक बार, और ऑस्टियो अर्थराइटिस में ओरल में लेते हैं 30 से 60 एमजी ओडी। साथ ही एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कंडीशन में ओरल 60 से लेकर 90 एमजी ओडी इसकी डोज रहेगी। एक्यूट गाउटी अर्थराइटिस में ओरल इनिशियल डोज 120 एमजी ओडी रहेगी 8 दिनों के लिए। एक्यूट पेन कंडीशन में ओरल डोज रहेगी 90 एमजी ओडी 8 दिनों के लिए। पोस्ट ऑपरेटिव डेंटल सर्जरी पेन अगर है तो इसकी ओरल डोज रहेगी 90 एमजी ओडी फॉर 3 डेज। कोई पोस्ट ऑपरेटिव गोनोलॉजिकल सर्जरी पेन है तो उसमें ओरल डोज रहेगी 90 एमजी ओडी 5 दिनों के लिए। साथ ही हम इसकी पीडियाट्रिक डोजेज की बात करें तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस में 16 साल के कम बच्चे में ये ओरली 60 से लेकर 90 एमजी ओडी तक देते हैं। प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन कैटेगरी की बात करें तो ये कॉन्ट्राइंडिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में रहेगी, यानी कि इसको इस्तेमाल प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन की कैटेगरी में नहीं दे सकते। कॉन्ट्राइंडिकेशन में हार्ट फेलियर डिजीज में नहीं दे सकते, हाइपरकैलेमिया में, प्रेगनेंसी में, ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन, हेपेटिक एंड रीनल फेलियर चिल्ड्रन बिलो 16 साल, 16 साल के कम बच्चों में इसको नहीं इस्तेमाल किया जाता। प्रसिस्टेंट अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है तो भी इसको नहीं दिया जाता, तो इन कंडीशन में ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन रहेगी। इसी तरह की अन्य महत्वपूर्ण दवाओं की जानकारी के लिए प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।